वेलकम टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज़ आवर डेली न्यूज़ पेपर वीडियो सो आज है ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर और आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर के कुछ मस्ट रीड आर्टिकल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये वो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे यू पी एस सी प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो सो आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है नव हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए टॉपिक्स और हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है द रीज़न बीइंग कि कल से दुबई के अंदर यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट समिट शुरू होने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ सी ओ पी ट्वेंटी एट कल दुबई में शुरू होने वाला है जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हम फाइट कर रहे हैं क्या स्ट्रैटीज़ होनी चाहिए अच्छा हर कंट्रीज़ के अपने कंसर्न्स हैं अपने इंटरेस्ट हैं जो कि वो इस कॉन्फ्रेंस में इस समिट में उन्हें एडवांस करना चाहते हैं तो देफ लगातार जो डिस्कशंस हैं इस पर्टिकुलर स्वेयर में वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं सिमिलरली आज हमारे पास एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर पावर जनरेशन के ऊपर फोकस किया गया है यहाँ पे बात की गई है ब्रिक्स कंट्रीज़ की क्योंकि ये वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि एक पॉपुलस ब्लॉक है हमारी दुनिया का वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे है और प्लस दी फास्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है पावर जनरेशन की कितना शेयर क्लीन एनर्जी का है कितना शेयर फोजिल फ्यूल्स का है तो उसके उसे लेकर आज के पेपर में हमें कुछ यूनो चार्ट दिए गए हैं जो कि हम स्टडी करेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं इस्पेली ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना दीज आर दी ब्लॉक ऑफ पॉपुलस एंड द फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ और इन कंट्रीज़ की ये डिमांड है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी जो फाइट है उसे फैसिलिटेट करने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए इक्विटी मिलनी चाहिए और इसे हम डिमांड करते हैं यू एन ट्रिपल सी का जो कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वहाँ पे एक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आता है हमने रिसेंट वीडियो में भी बात की थी विच इज़ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका ये मीनिंग है कि जो रिच कंट्रीज हैं हिस्टोरिकली उन्होंने सबसे ज़्यादा इमेस की हैं ग्रीन हाउस गैसेस की क्योंकि वो हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स हैं सो दे शुड डू मोर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज जिसके बेसिस पे क्लाइमेट फाइनेंस और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है तो ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया चाइना हम वो कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं ऑफ़ द क्लाइमेट फाइनेंसिंग कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक है तो ये जो आर्टिकल है हमारा यहाँ पे दो ग्राफ्स दिए गए हैं दो चार्ट्स दिए गए हैं पहले चार्ट्स में ब्रिक्स कंट्रीज़ की पावर जनरेशन के क्या सोर्सेज हैं कितना परसेंट की क्लीन एनर्जी है कितना फॉजिल फ्यूल रहा है कैसा चेंज आया है 2000 से लेकर 2022 तक वो रिप्रेजेंट किया गया है और चार्ट टू जो है उसके अंदर इंडिया की जो 15 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन जो टॉप 15 स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है तो हम वन बाय वन करके इन दोनों चार्ट्स के थ्रू क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा जो मार्च है वो कैसा चल रहा है उसे समझते हैं ना हमारे पास ये एक चार्ट है जिसके अंदर ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो पावर जनरेशन का जो शेयर है उसे रिप्रेजेंट किया गया है जो टाइम पीरियड यहाँ पे लिया गया है दैट इज़ फ्रॉम 2000 टू 2022 नव ब्रिक्स कंट्रीज़ की भी हमने एक डिटेल डिस्कशन बहुत रिसेंटली की थी जहाँ पे हमने ये देखा कि एज़ ऑफ नाउ जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज़ हैं ये इसके मेम्बर्स हैं लेकिन ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सटेंड की गई है फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी से ब्रिक्स के मेम्बर कंट्रीज़ में जुड़ जाएंगे सऊदी अरेबिया ईरान इजिप्ट अर्जेंटीना यू एंड इथोपिया तो इन कंट्रीज़ तक जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है इसे बढ़ाया जा रहा है ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है तो उसी को देखते हुए इन सभी कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हुए हमारे पास ये चार्ट है ठीक है अब यहाँ से मेजर की पॉइंट्स हमने क्या लेने हैं सबसे पहले बात करते हैं चाइना की आप ग्राफ देख रहे हैं कैन यू सी द डिक्लाइन अब यहाँ पे जो रेड ग्राफ है ये हमें शो करता है फॉजिल फ्यूल सोर्सेज से डिराइव की हुई एनर्जी और जो ब्लू है इट रिप्रेजेंट्स क्लीन एनर्जी तो जैसा कि आप देख रहे हो 2000 में 82 परसेंट जो एनर्जी थी वो डिराइव होती थी फ्रॉम फॉजिल फ्यूल्स चाइना के अंदर लेकिन ये डिक्रीज होके किस लेवल पे आ चुकी है 65 परसेंट पे और आप देख रहे हो सबसे बड़ा डिक्लाइन और उत, उसी लेवल पे क्लीन एनर्जी का राइज कहाँ पे हो रहा है चाइना में ये जो शिफ्ट चाइना के अंदर हुआ है इन द रिडक्शन ऑफ द फॉजिल फ्यूल्स एंड द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी ऐसा ऐसा रिडक्शन और किसी ब्रिक्स कंट्री में आप नहीं देख पाएंगे ये चाइना का जो हम यहाँ परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि फॉजिल फ्यूल्स डिक्लाइन हुए उसी पेस पे क्लीन एनर्जी इंक्रीज़ हुए लेकिन अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाहे क्लीन एनर्जी हो चाहे डर्टी एनर्जी हो दोनों ही केसेस के अंदर चाइना नंबर वन पे है मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल कंजम्पशन भी चाइना करता है और सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी भी कहाँ पे है रिनेबल एनर्जी की कैपेसिटी भी कहाँ पे है चाइना में ही है ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना इकलौता वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है राइट right नाउ हर साल 30 परसेंट ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस सिर्फ और सिर्फ चाइना से आती हैं तो ये चीज़ भी आपने साथ ही में ध्यान में रखनी है जब हम इस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये दो फैक्ट भी आपने याद रखने हैं ठीक है सिमिलरली अब हम बात करते हैं इंडिया की देखिए जब हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर आप देखें रिलेटिवली इंडिया का जो चेंज है वो कंपेरेटिवली स्लोअर है हमारा क्लीन एनर्जी का शेयर 2000 में 17 परसेंट था जो कि 2022 में इंक्रीज़ होकर 23 परसेंट हुआ तो ऑफकोर्स हमारा जो चेंज आया है वो स्लो है हालांकि इंडिया ने ये प्रपोज़ल दिया था कि जब हम बात करते हैं कि हमें कोल को फेज़ डाउन करना है तो फेजिंग ऑफ डाउन ऑफ कोल के अंदर ऑयल और गैस को भी इंक्लूड किया जाए एंड इंडिया को इस इस प्रपोज़ल के लिए 80 प्लस कंट्रीज़ ने बैकअप भी किया था लेकिन सऊदी अरेबिया और जो बाकी ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इसे ब्लॉक किया ठीक है क्यों ब्लॉक किया आप सऊदी अरेबिया का चार्ट देखो ये देखिए सऊदी अरेबिया अपना 99% परसेंट एनर्जी डिमांड्स कहाँ से पूरी करता है फॉजिल फ्यूल्स से पूरी करता है क्लीन एनर्जी सऊदी अरेबिया में ज़ीरो है इसीलिए ऐसे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी मेजर एनर्जी डिमांड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है फॉजिल फ्यूज से ठीक है अच्छा इसके बाद अब हम यहाँ पे यू की परफॉर्मेंस देखते हैं यू भी हमारा ऑयल रिच कंट्री है लेकिन एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया यू का जो फॉजिल फ्यूल्स का शेयर है आप देख रहे हो कि वो डिक्लाइन हुआ है और क्लीन एनर्जी का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है 2020 के बाद यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके अपने इलेक्ट्रिसिटी मिक्स को यूज़ करके जो क्लीन एनर्जी है उसका शेयर यू ने बढ़ाया है राइट right? अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें आप लेट्स फोकस ऑन ब्राज़ील किसकी बात करेंगे ब्राज़ील की अच्छा ब्राज़ील और इथोपिया दोनों पे फोकस करो ये दोनों ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका जो क्लीन एनर्जी का शेयर है दैट हैज़ बीन हायर देन द फॉजल शेयर एक यही दो ऐसे कंट्रीज आपको नजर आएंगे जिनका क्लीन एनर्जी का जो शेयर है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द फॉजिल शेयर बाकी सब कंट्रीज के अंदर आप देख रहे हो कि जो रेड लाइन है ये टॉप पे है क्योंकि ये फॉजिल को रिप्रेजेंट करती है और जो ब्लू लाइन है ये बॉटम में है बिकॉज परसेंटेज कम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील और यथोपिया ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी नाइन परसेंट एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी है फॉजिल फ्यूल से एनर्जी वो डिराइव नहीं करते 99% एनर्जी क्लीन एनर्जी है अच्छा इन दोनों कंट्रीज़ के बाद हमारे पास एक और कंट्री आ जाता है विच इज साउथ अफ्रीका जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में 86% सिक्स परसेंट एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ फ़ॉज़िल फील से डराइव करते हैं इनका अभी भी यू नो जनरेशन थ्रू फॉजिल फ्यूल सबसे ज़्यादा है तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ ब्राज़ील और यथोपिया जैसे कंट्रीज़ क्लीन एनर्जी की तरफ कितना बढ़ चुके हैं साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ जो अभी भी कम्प्लीटली फ़ॉजिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया ऐसा कंट्री है जो 99% अपनी एनर्जी फॉजिल फ्यूल को बर्न करके यू नो डिराइव करता है तो ये चार्ट आपको शो कर रहा है कि किस तरह हमारे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसमें भी आपको अलग अलग पैटर्न नजर आएगा वेर इट कम्स टू देर इलेक्ट्रिसिटी मिक्स फिर इसी आर्टिकल के अंदर इंडिया स्पेसिफिक चार्ट भी हमें दिया गया है जिसमें इंडिया की टॉप जो स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन उन्हें शो किया गया है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में यहाँ पे यू नो फिल फ्यूल और जो क्लीन एनर्जी है वो किस तरीके से मूव कर रही है यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की गुजरात की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पूरा अगर चार्ट देखेंगे तो यू कैन सी कि गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे फॉजिल फ्यूल की यूजेज सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुई है और रिलेटिवली क्लीन एनर्जी की यूजेज सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है ड्रास्टिक डिक्रीज आपको फॉजिल फ्यूल का यहां पे देखने के लिए मिलेगा ठीक है सेम पैटर्न पे कुछ राजस्थान भी यू you नो know, हमें आ, जो डिक्रीज़ है वो शो कर रहा है कि कुछ हद तक आ, पहले 68 परसेंट पॉजिटिव फ्यूल था और 55 परसेंट पर आ गया है और सिमिलरली जो क्लीन एनर्जी है वो यहाँ पे राइज़ हुई है तो ये दो स्टेट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई गुजरात और राजस्थान ठीक है अच्छा फिर एक और चीज़ आप देखो जो पैटर्न हमने पीछे ब्राज़ील और इथोपिया का देखा था कि क्लीन एनर्जी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू फॉजिल फ्यूल जब हम वो चीज देखने के लिए आते हैं तो इंडिया में भी आपको ऐसी स्टेट्स मिलेंगी एक आपकी स्टेट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश और दूसरी है कर्नाटका कि जहाँ पे क्लीन एनर्जी का शेयर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फॉजिल फ्यूल न इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तमिलनाडु को तो तमिलनाडु में आपको ऑलमोस्ट 50-50 परसेंट का यू नो क्लोजनेस देखने के लिए मिलेगी बिटवीन दी the... फॉजिल फ्यूल्स एंड क्लीन एनर्जी दैर इंचिंग वेरी क्लोज टू फिफ्टी फिफ्टी क्योंकि जो बट हालांकि रिसेंट ईयर्स में तमिलनाडु ने क्लीन एनर्जी को लेकर उतने बड़े स्टेप्स नहीं लिए अगर लें तो क्लीन एनर्जी ऑफकोर्स बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू फॉजिल फ्यूल्स इसके अलावा आपके जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल बिहार यहाँ पर नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो फॉज़िल फ्यूल्स को यूज़ करके की जा रही है उड़ीसा um, की बात करें तो उड़ीसा के अंदर जो फॉज़िल फ्यूल यूजेज है ये इंक्रीज हुई है अलोंग विद पंजाब तो कहाँ तो हमें डिक्रीज़ करना है कहाँ अगर आप यहाँ पे पंजाब की बात करें और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे फॉज़िल फ्यूल की कंजम्पशन से डिराइव की गई एनर्जी इंक्रीज हुई है राइट right? तो ये एक सिनेरियो हमारे पास है कि हम बात तो कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का चेंज रियली रियलिटी के अंदर पावर प्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं हमारा अगला न्यूज आर्टिकल पॉलिटिकल डोनेशंस के बारे में है वेल जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि पॉलिटिकल डोनेशंस से डील करती है इंडिया में इसे चैलेंज किया गया तब से ही ये जो डिबेट है ये शुरू हो चुकी है कि पॉलिटिकल डोनेशंस को डिस्क्लोज करना चाहिए या या नहीं पॉलिटिकल डोनेशंस के ऊपर लिमिट्स लगानी चाहिए या नहीं तो उसी चीज़ को उसी डिबेट को इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है एक अच्छी चीज़ जो इस आर्टिकल में रखी गई है वो ये है कि हमें एक ग्लोबल पिक्चर दिखाई गई है कि इंडिया को छोड़कर अगर हम ग्लोबली बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हर जगह हैं इलेक्शंस तो हर जगह होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस भी मिलती हैं तो वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल डोनेशंस को लेकर क्या रुख रहा है मेजर कंट्रीज़ का क्या आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं वो इस आर्टिकल के अंदर शो किए गए हैं ठीक है तो जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करते हैं एज वी ऑल नो कि इसके इस इशू को लेकर इलेक्शंस को लेकर हमारे पास एक बड़ा अच्छा एक्ट है जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर आने के लिए इस रिप्रेजेंटेशन टू पीपल्स एक्ट 1951 को अमेंड किया गया जिसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आती है जो कि पोलिटिकल डोनर्स को कंप्लीट कम्प्लीट दे देती है मतलब किसने डोनेशंस की डोनर कौन है वो पब्लिक को पता नहीं चलेगा जो डोनर्स हैं वो अनोनोमस रहेंगे ठीक है अब इस इशू को लेकर वर्ल्ड वाइड क्या स्टैंड रहा है वो समझते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वर्ल्ड वाइड थोड़ा ऑपोजिट स्टैंड रहा है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल डोनेशन एक चीज़ जो जिसके ऊपर फोकस किया जाता है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो डोनेशंस मिल रही हैं उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए चाहे कोई इंडिविजुअल कर रहा है चाहे कोई कॉरपोरेशन डोनेशन कर रही है कौन कर रहा है इसे लेकर फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए तो यूनाइटेड um, स्टेट्स में 1910 में 1910 में पब्लिसिटी एक्ट आता है जो कि ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को जो डोनेशंस मिलती हैं उनको डिस्क्लोज़ किया जाए और साथ ही में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के ऊपर भी लिमिट्स यहाँ पे इम्पोज़ की गई कि पहली बात तो कितना आ रहा है कौन कर रहा है ये डिस्क्लोज़ किया जाए और कितनी डोनेशंस हो सकती हैं इसके ऊपर भी लिमिट लगाई गई फिर इसे चैलेंज किया गया लेकिन जब इसे चैलेंज किया गया तो एक फेमस केस आता है यू एस की सुप्रीम कोर्ट से विच इज़ बकली वर्सेज वेलियो इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स नाइनटीन टेन में एक्ट आया था फिर नाइनटीन सेवनटी सिक्स में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज किया गया तब भी यू एस की सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डिस्क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट है इसे अपहेल्ड किया और साथ ही में कॉन्ट्रीब्यूशनस के ऊपर लिमिट्स जो लगाई गई थी उसे भी अपहेल्ड किया उसके बाद अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ पे 2014 में रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट एंड ऑफ काउंसिल आता है जिसके अंदर यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज़ और फाउंडेशंस को कैसे फंडिंग मिली है उसे रेगुलेट किया गया अकॉर्डिंग टू दिस वन ऑल्सो इसमें भी जो वैल्यू ऑफ़ डोनेशंस होती हैं पार्टीज़ को फाउंडेशनस को उनके ऊपर लिमिट सेट की गई कि पर ईयर पर डोनर कितनी डोनेशंस वो ले सकते हैं उसके ऊपर लिमिट सेट की गई अच्छा फिर एक सर्टेन वैल्यू तक यू नो जो नेचुरल पर्सन जो डोनेशन कर रहा है एक सर्टेन वैल्यू तक उनको अनोनमस रखा गया लेकिन जैसे ही वो वैल्यू एक्सीड होती है उसके बाद जितनी जो जिस डोनर ने वो यू नो डोनेशन की है उसे डिस्क्लोज किया जाएगा तो समझे आप एक तो लिमिट रखी गई और साथ ही में एक लिमिट रखी गई कि ओके okay, अगर इतने अमाउंट से कम की डोनेशन होती है तो डोनर कौन है वो अनोनमस रहेगा लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी डोनेशन होती है तो इसे डिस्क्लोज किया जाएगा ये यूरोपियन यूनियन का यू uh, नो you know, इस इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर इन्होंने सोल्यूशन निकाला फिर यूके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आता है पोलिटिकल पार्टीज इलेक्शन एंड रेफरेंडम एक्ट टू अब इसके अंदर भी डोनेशनस के ऊपर पोलिटिकल पार्टीज कितनी डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती हैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और साथ ही में ये सोर्स ऑफ डोनेशन कहाँ से आई है उसे भी डिक्लेयर किया जाए ये क्लॉज भी यहाँ पे ऐड किया गया तो हम अगर इन मेजर एरियाज़ को देखें यूएस की बात कर ली यूरोपियन यूनियन की बात कर ली यूके की बात कर ली तो मेजर यहाँ पे फंडामेंटल यही निकल के आ रहा है कि मोस्ट ऑफ़ द लीगल रेगुलेशन जो पोलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग को लेकर हुई हैं या तो उसमें एक चीज़ यह है कि एक मिनिमम अमाउंट रखी जाए जिसके ऊपर जब डोनेशन होती है तो डोनर का कंप्लीट डिस्क्लोजर किया जाए साथ ही में डोनेशंस के ऊपर भी लिमिट्स और कैप्स लगाए गए हैं अब यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है वाई वी वॉन्ट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फंडिंग देखिए पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पिलर है और ट्रांसपेरेंसी से जो सिटीजन्स हैं उनका ट्रस्ट पार्टीज़ के अंदर पॉलिटिशियंस में डेमोक्रेसी में इलेक्शन के प्रोसेस में वो बना रहता है और साथ ही में जब हम ये बोलते हैं कि डोनेशंस के ऊपर लिमिट्स क्यों लगानी चाहिए सी बिकॉज़ अगर अनचेक बड़ी बड़ी डोनेशंस मिल रही होंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ से तो इससे एक तरह का यू नो डिस्यूट आता है हमारी डेमोक्रेसी uh, में जो इलेक्शंस की आउटकम है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कंपेनिंग में कितने पैसे स्पेंड किए सो सेपरेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द पावर दैट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो इसीलिए अपने डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाने के लिए हमें ऐसी लेजिस्लेशन्स की ज़रूरत है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग मिलती है उसे रेगुलेट किया जाए और पब्लिक डिस्क्लोजर को भी मैंडेट किया जाए तो ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली हमें ये प्रजेंट किया गया है सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू